हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सभी? हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो ये भाई के साथ में मैं जा रही हूँ घर, जिस दिन हरचट थी उसके एक दिन पहले जा रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर इस रास्ते से अगर आप निकलते हो ना, सारे फेस्टिवल्स पता चलते हैं कि कौन सा आने वाला है, कौन कौन सा है। तो ये अगर किसी को भी पता है कानपुर से, तो ज़रूर बताइए कौन सा एरिया है। गाइस हाय, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मिट्टी को मैंने रेडी किया है और जल्दी रेडी कर दिया, क्योंकि धूप अभी मॉर्निंग वाली है ना, तो ज़्यादा आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा धूप आ रही है। तो ये मौसम सबसे सही रहता है, हवा भी चल रही है बहुत अच्छी। तो अभी काम भी बहुत सारे हैं और आज हरचट भी है और जन्माष्टमी का सामान भी लेने आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज। तो मैंने कहा चलो अभी जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, मिट्टी वाला काम कर लेते हैं जल्दी से, कृष्ण जी बना देते हैं, देन हम लोग चलते हैं। ओ शिट, उसको पलटा दो। मिट्टी को मैंने कृष्ण जी रेडी किया। मिट्टी मेरे पास आओ, कैसा लग रहा है मेरा मिट्टी बाबू? मिट्टी बाबू को मैंने कृष्ण जी बनाया है, इस बार मैंने कृष्ण जी बनाया, लास्ट ईयर मैंने राधा जी बनाया था, उसके भी लास्ट ईयर मैंने कृष्ण जी बनाया था। ऐसे ही हर साल मैं कृष्ण जी, राधा जी, कृष्ण जी, इस बार मिट्टी का राधा जी बनने का मन था बट मैंने कृष्ण जी बना दिया। और ये दुपट्टे से मैंने यहाँ पर पगड़ी बनाई है इनकी और पूरा रेडी कर दिया है। बस चलिए इनके जल्दी फोटो शूट और वीडियो शूट कर लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं, देन मिलते हैं। क्योंकि बच्चे हैं ना, जल्दी रेडी होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी रेडी नहीं होते, मतलब रेडी होने पर खड़े नहीं होते, वो तुरंत पहनाया तुरंत उतारो, ये करते हैं। चलते हैं नीचे, नीचे चल के मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ से दे दिया, अपने फ्लावर से गिराए हैं। पूजा के टाइम पर फ्लावर गिरता है तो बोलते परेशान मिल जाता, तो ये वही बता रही है यहाँ पर। तो बताइए आप लोग कैसी लग रही है? अभी थोड़ा सा इनका अस्त व्यस्त हो गया सारी चीज़ें, ये पता नहीं इनका कहाँ से कहाँ आ गया, मैंने कहाँ पहनाया था कहाँ से कहाँ आ गया है। ये देखो राखी का यूज़ किया है यहाँ पर ब्रेसलेट के लिए, और ये मिट्टी इस तरह से रेडी होकर बैठी है, पूरा बन चुकी है इनकी रील्स और फोटो वीडियो सब कुछ बन चुका है। भैया बारिश भी हो रही है, बार बार धूप भी आ रही है, हवा भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है मतलब एक साथ में। तो चलते हैं नीचे, और रेडी हो गए और चलते हैं नीचे जल्दी जल्दी। हम लोग सुबह सुबह रेडी कर दिया, अभी जाना है मम्मी के साथ में बाहर और हरचट का भी पूजा होनी है। मटका वहीं पर रख दिया, हरचट की भी पूजा होनी है और सारी चीज़ें होनी है, अभी बाहर जाना है, जन्माष्टमी का सामान भी लेकर आना है। ब्लॉग तो मैंने अपना स्टार्ट ही कर लिया है और मिलते हैं थोड़ी देर में भी। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे थी हरचट की पूजा, और हरचट में ये जो होती है, ये जिनके बेटे होते हैं वो व्रत रखते हैं, वैसे पूजा हर कोई कर सकता है, तो मम्मी ने पूजा करने के लिए बुला लिया था। वैसे मैं जिस दिन पॉसिबल हो पाता है उस दिन पहुँच जाती हूँ, वैसे स्कूल वगैरह होते हैं तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, बट इस बार मैं पहुँच गई थी, लास्ट ईयर मैं नहीं पहुँच पाई थी। तो ये हरचट है और जिसको ललई छठ भी बोलते हैं आई थिंक, बट कानपुर में तो मोस्टली हरचट ही बोलते हैं। तो अभी ये शक्कर वाली जो चुकरिया होती, चुकरिया बोलती है हमारे यहाँ तो बोलते हैं हम लोग, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वाला भरना है और बाकी जो वो वाला उसमें जौ बाजरा और मकाई का दाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें डाली जाती हैं। तो ये शक्कर वाली इस बार इसलिए की जा रही है क्योंकि भाई की शादी हुई है, तो शादी के बाद हो या फिर कोई जैसे बेटा होता है तो उसके बाद हो, फर्स्ट टाइम की जो होती है उसमें ये शक्कर वाली बनाई जाती है। तो ये फर्स्ट टाइम ही होता है, जैसे कोई बेटा होता है तो फर्स्ट टाइम में उसके लिए किया जाएगा और बाकी फिर ये मिट्टी वाले ही बनेंगे। और अगर शादी हुई है तो घर में किसी की, तो शादी के बाद ये वाली भरी जाती है। तो अभी भाई की शादी हुई रिसेंटली में, तो फर्स्ट फेस्टिवल जितने पड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ न्यू होगा, तो ये शक्कर वाली बनाई गई है और सो इसमें ये वाली फिल की गई है। एंड छः छः लगती हैं सभी में जो चुकरिया होती हैं, चुकरिया बोलते हैं हमारे यहाँ पता नहीं, अब मैंने तो बचपन से यही सुना है। तो और ऐसे आप मिट्टी का जो पॉट होता है छोटा वो भी बोल सकते हो। तो ये जो मिट्टी के हैं ये छः छः होते हैं सभी के, तो छः पापा के भरती हैं मम्मी और छः छोटे वाले भाई के, छः बड़े भाई के, और ये न्यू है ये वाला, इस तरह से होता है ये। यहाँ पे पूजा दीवार में थापे वगैरह लगा के पूजा होती है, देन आंगन में या बालकनी में आप इस तरह से ये आता है, पेड़ एक होता है, इस पेड़ में ऊपर के साइड ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर नॉट लगाई जाती है, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से इतना मुझे नहीं पता है, आई थिंक कन्फर्म नहीं है, अभी तक मैंने किया नहीं है ना। तो ये देखिए इसमें नॉट लगाई जाती है, जितने बेटे होते हैं उतनी नॉट लगाई जाती है, लेफ्ट हैंड से आई थिंक होता है, तो वन हैंड से ही लगाना है, दूसरा हैंड यूज़ नहीं करना है। तो ये प्रसाद मम्मी ने मुझे दिया, सभी को दे दिया था घर पे, तो मैं लेकर आई थी, मैंने अपना एक क्लिप ले लिए। देन ये होता है मेन प्रसाद, ये भी जो हरचट का होता है माता जी का, तो इसमें महुआ दही और सीत फसई के चावल होते हैं, फसई के चावल, तो बस इस व्रत में वही खाना होता है, वही चढ़ता है। उसके अलावा व्रत में
कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हो, जो भी खेत से हल चलाया हुआ होता है उसको तो आप खा भी नहीं सकते हो, इवन शक्कर भी आप नहीं खा सकते हो, मतलब सारी चीज़ें आप नहीं हो सकते हो। ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं बिना हल चलाया हुआ जो खेत का होता है वो ही चीज़ें यूज़ कर सकते हो, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं और व्रत रखना होता है पूरे दिन। तो ये मम्मी के साथ में आ गए थे हम लोग मार्केट, और मार्केट में मैं और मम्मी आए थे, बट रास्ते में फिर पापा भाई और मिट्टी भी मिल गए, ये लोग कहीं और गए थे काम से, तो वहीं रास्ते में ये लोग भी मिल गए। तो हम लोग यहाँ आए थे, लड्डू गोपाल जी के बहुत ही प्यारे प्यारे से कपड़े मिल रहे थे यहाँ पर, इस शॉप में अच्छे मिल रहे थे, तो हम लोग इसी शॉप में रुक गए। और होता है ना ये सब यूनिक चीज़ें, मतलब कलरफुल होती हैं तो और अच्छा लगता है, और लड्डू गोपाल जी के लिए तो लगता है कितनी भी फेवरेट चीज़ें मिल जाएँ, बस जैस मिलना चाहिए अच्छे से अच्छी चीज़ें, क्योंकि हम लोग के जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत छोटे से हैं, तो उनके लिए जो पगड़ी है ना वो इतनी जल्दी नहीं मिलती है, वो बहुत देखनी पड़ती है देख सुनके, क्योंकि उनका फेस बहुत छोटा है तो उसमें पूरा ढक जाते हैं। तो बहुत मम्मी कह रही है यहाँ कोई नहीं मिल रही है, सब बड़ी बड़ी हैं, सब बड़ी बड़ी हैं, तो बड़ी मुश्किल से फिर हम लोगों को एक मिली भी। अभी मैंने तो पहना कर भी नहीं देखा है, पता नहीं आएगी कि होप सो आ जाए, बिकॉज इतनी मेहनत के मैंने अपनी ड्रेस के साथ में कॉम्बिनेशन किया है कि ड्रेस पिंक है तो पगड़ी भी पिंक ही होनी चाहिए, और पिंक तो मिल रही थी बहुत सारी, पिंक भी बहुत मिल रही थी और बहुत सारे कलर्स की मिल रही थी, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि उनका जो मैंने ड्रेस लिया है उन्हीं के कलर का मिलना चाहिए यहाँ पर, उनकी पगड़ी भी। तो मैं यहाँ पे भाई आ गया तो मैं बहुत हैप्पी होगी कि मेरा व्लॉग अब कोई सूट कर देगा, बिकॉज मैं जाती हूँ तो मेरा व्लॉग मैं ही सूट करती हूँ, मैं अपने व्लॉग में खुद नहीं आ पाती हूँ, तो ऐसा हो जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। भाई आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि मेरा ब्लॉग शूट कर देगा, और पापा भी आ गए थे, फिर पापा भी देखने लग गए कि कौन सी क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें ये होता है कि पापा को फिर और भी चीज़ें लेनी थी वहाँ पर, ये भी हुआ कि हम लोग लेने गए थे लड्डू गोपाल जी के लिए, फिर पापा ने और भी अपनी सारी चीज़ें ले ली, उनको एक अच्छे से पता होता है कि हाँ ये वाली पगड़ी लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं बांसुरी दिखा रही हूँ भाई को कि देखो इनमें से दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है, तो मैंने दो लेकर रखी थी, बट वो जो एक मैंने ले रखी है ऑलरेडी वो वाली बहुत अच्छी लगी, भाई बता रहा था ये वाली भी अच्छी लग रही है, ये वाली कंफ्यूज मुझे भी कर दिया उसने, वैसे ही मैं सारी चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं, बट फिर मैंने फाइनली ले ली, और मम्मी तो अंदर आराम से बैठकर सारे जितने वस्त्र होते हैं भगवान जी के वो देख रही हैं, और क्योंकि जानती है ना यहाँ जाती रहती है मम्मी तो शॉप जानती हैं, तो उनके पास बैठ कर आराम से देख रही हैं, श्याम बाबा जी के भी देख रहे थे कपड़े, तो सारे भगवान जी के मम्मी यहाँ पे कपड़े देख रही हैं कि क्या क्या लेना है कैसे कैसे लेना है, क्योंकि अच्छे से होने चाहिए, कलर भी अच्छा होना चाहिए और डिज़ाइन भी अच्छी होनी चाहिए। मम्मी आराम से अंदर देख रही हूँ, और मैं लड्डू गोपाल जी के लिए अपने लिए भी और मम्मी के लिए दोनों के लिए यहाँ पे देख रही हूँ, सारी चीज़ें पसंद कर रही हूँ। मिट्टी भी है साथ में, मिट्टी अभी तक दिखी नहीं है व्लॉग में, वो भी मेरे पीछे खड़ी है तो दिख नहीं रही है, और पापा के साथ में वो आई थी, और यहाँ पे पता नहीं मम्मी मुझे कुछ बता रही थी, हाँ शायद उनका जो आसन होता है ना लड्डू गोपाल जी का वो पूछ रही थी, तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखा, तो भैया ने फिर बाद में उठा कर दिया। तो ये दिखे इस तरह से, जो जन्माष्टमी के टाइम पर और फेस्टिवल के टाइम पर जब शॉप होती है ना वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है, कितनी कलरफुल, मतलब बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, बड़े से लड्डू गोपाल जी होते हैं जिनके, तो उनकी ड्रेस बहुत प्यारी प्यारी मिल रही थी, उनके लिए तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट जो छोटे से होते हैं ना उनके लिए जल्दी से पगड़ी ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोगों ने भी यहाँ से ले लिया है, मोर पंख भी ले लिया था, और मम्मी यहाँ पे हेयर देख रही थी, बट ये हेयर की क्वालिटी इतनी अच्छी लगी नहीं, अभी हो गई शाम, शाम को मैंने मम्मी के लिए बनाया था, इस बार मम्मी से मैंने बोला मम्मी आपका फास्ट रेस्ट करो मुझे बनाने दो, और मैंने यहाँ पे बनाई ये जो एक सब्जी थी हरे पत्ते वाली, अब सब्जी का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, ये सब्जी मम्मी हमेशा से खाती आ रही है, मैं जब छोटी थी तब से देख रही हूँ मम्मी फास्ट रहती हैं और मम्मी बनाती थी, बट इस बार मैंने बनाया है, और ये सिर्फ घी में बना सकते हैं, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बिकॉज सॉल्ट भी ऐड नहीं करना है, और कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं कर सकते हो, जीरा भी नहीं ऐड कर सकते, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे घी में हल्का सा फ्राई कर लेना है, हल्का सा पक जाएगा वो ऐसे ही। यहाँ पे काली मिर्च थोड़ी सी डाल रही हूँ, वो डाल सकते हैं, तो वो डाल रही हूँ, एंड ये बन जाएगी सब्जी। एंड मैंने यहाँ पे बनाई है ड्राई फ्रूट्स मखाने की खीर, उसमें शुगर ऐड नहीं करनी है, बिकॉज शुगर भी होता तो शुगर केन से ही है तो नहीं बना सकते हैं, वो भी ऐड नहीं करना है, मतलब सिंपल सिंपल सा बिना सॉल्ट एंड बिना शुगर वाला खाना है उस दिन, तो वो भी मैंने बना दिया। तो इस बार मैंने ही सारी चीज़ें बनाई थी, और सबसे बड़ी बात इस दिन जो पूड़ियाँ बनती हैं या फिर पराठियाँ बना सकते हो, पूड़ियाँ मम्मी ने ज़्यादा उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है जैसे मुझे पसंद नहीं है पूड़ियाँ, तो मम्मी ने यहाँ पे पूड़ा तो नहीं, उन्होंने पराठे
टाइप का कुछ बनवा लिया था, वो बनना था सिंघाड़े के आटे का। तो सिंघाड़े का आटा जितने भी फास्ट रहते हैं उनको सबको पता होगा, विदाउट आलू वो अच्छे से बाइंड नहीं होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट मैंने ट्रिक बनाया और उसको उस तरह से बनाया, बहुत ही ईजिली जैसे आटा गूंथता है ना उस तरह से हो गया था और बहुत ही अच्छे से बन गया। वो मैंने कैसे किया है मैंने दिखाया तो नहीं, बिकॉज मैं ही ब्लॉग शूट कर रही थी और मैं ही बना रही थी, दैट्स अ रीज़न मैं उस क्लिप को नहीं ले पाई हूँ। मैं बता देती हूँ कि मैंने पहले उसका पेस्ट बनाया सिंघाड़े के आटे का, देन मैंने उसको गैस पर चढ़ाकर थोड़ी देर उसको हलवे की तरह बनाती गई। जब वो बिल्कुल से थोड़ा सा हल्का हल्का ड्राई होने लग गया, देन उसको मैंने निकाल लिया। उसी में सूखा आटा मिलाकर जो था उसको ऐड करके मैंने आटे की तरह उसको गूँथ लिया, तो वो आटा मेरा रेडी हो गया। ऐसे तो आप आटा गूँथोगे ना तो इधर उधर भागता है, बनता ही नहीं है, वो बाइंड ही नहीं हो पाता। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही बना लूँ, बट नहीं हो पाया। बट मम्मी ने ये ट्रिक बताई तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे ही सान दी थी। अच्छा वो मम्मी ने देख लिया, मम्मी खीर देखने आई थी वो भी देख लिया तो हो गया। क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी इन सब चीज़ों से अभी गुजरी नहीं हूँ बोल सकते हैं, तो मुझे अभी से चीज़ें पता नहीं है। मैं फास्ट भी इस तरह ये नहीं रही हूँ अभी तक। और ये खीर मेरी बनकर रेडी हो गई, ये देखिए सिंघाड़े का आटा कितने अच्छे तरह जैसे नॉर्मल आटा होता है उस तरह से गूंथ कर रेडी हो गया है। और इसके मैंने दो छोटे छोटे से पराठे बना दिए थे, मम्मी ने खा लिए। देन नेक्स्ट डे हम लोग आ गए घर, मम्मी यहाँ पे बाय कर रही थी, मैंने छोटी सी क्लिप ले ली है, फर्स्ट टाइम ली है घर की, मैंने ऐसे बनाती नहीं हूँ जल्दी ब्लॉग। देन भाई हम लोगों को छोड़ने जा रहा था घर, और रास्ते में हम जाम में फंस गए, बिकॉज ये सभी जितने जा रहे हैं यहाँ पे साइकिल यात्रा कर रहे हैं वैष्णो देवी की। छोटा सा ब्लॉग है, कैसा लगा जरूर बताएगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।